परमेश्वर ने दर्शन में बात थी, क्या कही के है ना, परमेश्वर ने, मैं दर्शन में आया और दर्शन में मैंने बोल रहा हूं कि सरबजीत हर संडे संगति में आओ, और ये आगे को बोल रहे नहीं पापा जी मेरी किस्तें जब उतर जाएगी तो फिर मैं हर संडे आया करूंगी, अभी नहीं मैं आ सकती। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है और इनके साथ इनके हस्बैंड है और जे मोदल कॉलोनी के रहने वाले, और इनकी गवाही जे बता रहे हैं कि इन्होंने इनका 90,000 का कर्ज था और जिसके कारण इन्होंने 1 साल का 1 लाख का लोन लिया था। और जे सिस्टर बता रहे हैं कि जैसे कि जे काम करते थे और जे बता रहे हैं कि उसके कारण जे अपने जो 1 लाख का लोन था उसकी जो किस्त थी वो 8,800 रुपया थी, हर मंथ इनको देनी पड़ती थी, और जिसके कारण जो सिस्टर काम करते थे और जो बता रहे कि जैसे ही काम करने के कारण जैसे जो संगति को अटेंड तो करते थे पर जैसे कि हर संडे की संगति अटेंड नहीं कर पा रहे थे, और क्योंकि जो बता रहे थे कि इन्होंने कुछ किस्तें तो दे दी थी पर कुछ रहती थी जिसका बकाया था इनका साल का भी 72,000 रहता था, और जो बता रहे कि उसके कारण इनके मन में था कि अभी इनके मन में था कि जैसे जे महीने में सिर्फ 2 ही संडे की मीटिंग अटेंड करते थे, हर संडे मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे काम के कारण, और जे बता रहे कि जैसे जे लगातार नहीं करते थे तो जे बता रहे कि एक दिन जे बता रहे इनको पर रात के समय जे बता रहे कि परमेश्वर के दास का इनको दर्शन मिला, और जे बता रहे कि दर्शन में इनको परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड आया था कि आपने हर संडे की मीटिंग को अटेंड करो तो देखना परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा। तो जे बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की तो इन्होंने अपना जो दर्शन बताया कि मुझे सपने में दर्शन मिला था कि आप हर संडे की मीटिंग अटेंड करें तो परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेंगे। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने और भी इन्हें टीच किया कि अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो फिर आपको आपका निश्चय परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेंगे, आपने हर संडे की मीटिंग को अटेंड करना है, और जो आप परेशान हो काम के कारण जी चिंता आप परमेश्वर पर छोड़ दें तो फिर देखना परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस भी करेंगे। तो जो बता रहे हैं कि जैसे इनको इनको सीखने को तो मिल गया पर फिर भी इन्होंने एक महीने तक जो अपने काम पर जाते रहे, इन्होंने अपनी बुद्धि से काम पर जाते रहे, सीखने के बाद भी इन्होंने अपनी समझ अपनी बुद्धि ला ली, और जो बता रहे फिर 1 महीने के बाद जो बता रहे फिर से इन्होंने उस विश्वास से जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा इनको दर्शन में भी मिला और प्लस जैसे इन्होंने पर्सनल मिलकर बात की तो फिर से इन्होंने विश्वास से मीटिंग को अटेंड किया, और जो बता रहे कि जैसे ही इन्होंने फिर मन बनाया कि जे हर संडे की मीटिंग को अटेंड करेंगे और जो जो काम करते उस काम को जो छोड़ देंगे क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दिखाया है तो निश्चय परमेश्वर मेरे मार्गों को खोलेंगे, जो भी मेरे जो भी इनका कर्ज रह गया है जो इनका बकाया 72,000 रह गया वो परमेश्वर जानते। तो जो बता रहे कि इसके कारण जैसे कि इनके हस्बैंड भी काम करते थे पर इनके काम करने से जो इन जो बता रहे कि इनका काफ़ी जो बता रहे कि जो घर के कई खर्चे मैनेज हो रहे थे तो जो ना करने के कारण इनके हस्बैंड जो बता रहे कि थोड़ा जो भी परेशान रहते थे क्योंकि घर के खर्च और जो किस्त देनी थी उसके कारण थोड़ा जो परेशान थे इनके हस्बैंड। तो जो बता रहे कि फिर जो विश्वास से जो धन्यवाद करते रहे और जो इन्होंने हर संडे की मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया, जैसे ही विश्वास से करना शुरू कर दिया तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने इनके लिए मार्ग को खोल दिया, जो इनका 72,000 का कर्ज था बकाया था जो बता रहे कि वो पूरा माफ हो गया, जो बता रहे कि जो सरकार ने वो जो इन्होंने लोन लिया था तो जो बता रहे जो बकाया रहता था तो उन्होंने माफ कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने बताया कि जब इनको मैसेज मिला कि आपका जो 72,000 का कर्ज है बकाया रहता है वो पूरा माफ हो चुका है तो इन्होंने धन्यवाद किया और खुशी से बताया परमेश्वर के दास को सच में परमेश्वर जो मैं अपने जीवन में काम कर रही थी कि बोझ में थी कि जे कर्ज कैसे हम
कैसे हम देंगे, तो जो मेरे पति भी परेशान रहते थे, तो सच में पहला तो परमेश्वर इनको इस बोझ से पूरी तरह फ्री कर दिया। और उसके बाद जैसे कि जो लगातार मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जो बता रहे कि जो अपने हस्बैंड के लिए भी लगातार प्रेयर कर रहे थे कि जो कि उनकी भी सैलरी कम थी और जो और भी घर के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम्स तो आगे आ रही थी, जैसे कि फिर इनको परमेश्वर ने इनको एक वॉलंटियर की सेवा भी दे दी, फिर जो और भी अपनी सेवा को वफादारी से कर रहे थे। और जो बता रहे कि फिर इन्होंने उन दिनों में ऐसे काम भी ढूंढे, इनको अच्छा काम तो मिल रहा था, अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, पर इनको संडे की छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो जिसके कारण जो फिर अपने काम छोड़ देते थे। और जो बता रहे कि ऐसे 6 महीने बीत गए और उन दिनों में कुछ घर के कुछ और भी खर्च थे, और जो बता रहे फिर उसके कारण इनको फिर से 90,000 का लोन लेना पड़ा, और जो बता रहे फिर उसकी भी किस्त देनी होती थी, और जिसके कारण क्योंकि इनके हस्बैंड ही काम करते थे, फिर बच्चे भी छोटे थे, अभी स्कूल जाते थे, उनके भी कई खर्चे मैनेज करने होते थे, तो जिसके कारण इनके हस्बैंड थोड़ा परेशान रहते थे। पर जो बता रहे कि जैसे फिर से इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि अगर परमेश्वर उस बोझ से आपको आज़ाद कर सकते हैं, आपके लिए मार्ग खोल सकते, तो इसके लिए भी परमेश्वर सब कुछ करेंगे। अपने जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आप परमेश्वर से रोज रोज मांग रहे हो, तो निश्चय जैसे वचन में लिखा है कि जो हम प्रार्थना से मांगते हैं परमेश्वर हमारी सुनते हैं, तो परमेश्वर आपकी जो आप धन्यवाद सहित प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बड़ा बेस्ट करेंगे और आपके लिए बेस्ट रखा है। तो जो बता रहे जैसे इनको जो वचन मिला कि आपके लिए सब कुछ बेस्ट है, तो जो बता रहे इन्होंने फिर इस वचन को लेकर धन्यवाद करते रहे। फिर से जो बता रहे कि इन्होंने उन दिनों में फिर 1.5 लाख का लोन अप्लाई किया था, और वो भी 3 महीने हो गए थे, वो पास नहीं हो रहा था, पर उसके लिए जो धन्यवाद दे रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए कर चुके, और जैसे जो विश्वास कर रहे थे अपने हस्बैंड के लिए भी कि परमेश्वर ने इस परेशानी से बिल्कुल फ्री कर चुके हैं। और जो बता रहे कि इनके हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे और संगति अटेंड करते थे, पर पूरी तरह उस विश्वास से पूरे मन से नहीं करते थे, और जो बता रहे कभी कभी वो मीटिंग अटेंड करते थे, उनका मन नहीं लगता था। तो फिर जैसे उन्होंने भी 12 दिसंबर के दिन इनके हस्बैंड के लिए पहले ले हैंड हुई थी, अभी हम उस ले हैंड को देखेंगे। उसकी छाती में दर्द है और संगति में आने को दिल नहीं करता, दशा छटना चाहती पर छट नहीं, प्रार्थना में मन नहीं लगता। चल शैतान, इसके कैरियर से, इसकी जिंदगी से चल गंदी आत्मा, जो तू खुदा की हजूरी में आने में रुकावट देता है, चल निकल गंदी आत्मा, नशा कराने वाली आत्मा, खुदा की प्रार्थना में जो शैतान इसका मन नहीं लगने देता, चलो खड़ पूरी तरह से शट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, शट पूरी तरह से, मैं तुझे आज्ञा करता हूं शैतान, शोर शट शट निकल इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसकी सोच से, गंदी आत्मा में तुझे आज्ञा करता हूं शट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड हुई थी, जो कि जे कभी कभी ड्रिंक कर लेते थे, मन नहीं करता था संगति में आने में, प्रेयर करने में मन नहीं लगता था, जैसे इनके लिए प्रेयर हुई, तो जे बता रहे कि परमेश्वर ने इनके मन को खोल दिया। और जे बता रहे कि जैसे कि पिछले दिनों में जैसे हमने 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया, तो उसकी तैयारियां चल रही थी, तो परमेश्वर ने इनके मन को इतना खोल दिया, इतना जो बता रही कि इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया। इन्होंने अपने काम से पहले 5 छुट्टियां ली, और इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि इनकी जैसे जो छुट्टी करते तो इनकी सैलरी से पैसे काट लेते थे, तो इन्होंने बिना सोचे बिना कोई बोझ लिए इन्होंने 5 छुट्टियां परमेश्वर की सेवा के लिए की। और जिस सेवा परमेश्वर की हजूरी में रोज जो 25 दिसंबर की तैयारियों में ऐसे तैयारी करने के लिए भवन में ऐसे सेवा करने के लिए आ रहे थे, तो साथ में जैसे उन दिनों में जैसे वेडनेसडे की मीटिंग्स को भी इन्होंने अटेंड किया, तो इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी छुट्टियां हो रही है, और ना ही उन दिनों में जो ड्रिंक करते उससे भी परमेश्वर ने पहले फ्री कर दिया, फिर इनके मन को बदल दिया, और भी इनके अंदर सेवा के दौरान इनके अंदर इतना प्रेम परमेश्वर का भर गया कि जब बता रहे कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एक मन होकर परमेश्वर की सेवा की। और जैसे ही फिर इन्होंने 25 दिसंबर की मीटिंग को अटेंड किया,
तुझे बता रही, उस दिन भी इन्होंने पूरी खुशी से पूरी नाचते हुए उस वचन को, ब्लेसिंग वचन को परमेश्वर के दास के मुख से जो इन्होंने सुना उसको भी इन्होंने पूरे मन से रिसीव किया। तुझे बता रही कि जैसे ही मीटिंग को इन्होंने 25 दिसंबर की अटेंड की, उसके दो दिन बाद ही जो बता रहे फिर इनको मैसेज मिला कि आपका जो 3 महीने हो गए आपने 1.5 लाख का लोन अप्लाई किया है जो पास नहीं हो रहा था, 2 दिन बाद इनको मैसेज मिला कि वो पास हो गया है। तुझे बता रही कि जैसे फिर 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन जो इनको 1.5 लाख रुपये के साथ परमेश्वर ने इनको जो इनका लोन था वो इनको मिल गया और इन्होंने दिल से धन्यवाद किया कि सच में जो जो बोझ में थे, परेशान थे, अपनी बुद्धि अपनी समझ लगा रहे थे, पर जैसे ही अपना मन अपना पूरा वो प्रेम परमेश्वर के परमेश्वर में अपना देना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने जो वचन के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा आया था कि आपके लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है तो वो बेस्ट परमेश्वर ने इनको दिया। जैसे फिर इन्होंने बताया कि जो इनको 1.5 लाख मिला तो उससे पहले इन्होंने जैसे पहले भी इन्होंने लोन लिए थे उससे जो विश्वास तो निकालते थे पर जो इनकी इनका मन था कि जो भवन के लिए अपनी जो सेवा वो देना चाहते जितनी जो पहले देना चाहते थे उस समय पहले दिनों में नहीं हो पाया था तो उससे इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए परमेश्वर के कामों के लिए अपना स्पेशल सीट दिया और उन पैसों से इन्होंने परमेश्वर का विश्वास भी निकाला। जैसे इन्होंने पहला आदर परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने इनको और भी ब्लेस किया और जो इनका बाकी का जो इनका 90,000 का कर्ज था, कुछ और भी खर्चे थे तो उससे आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आज आजाद कर दिया है। आज परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशय दिए और जिसके लिए जो परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हम सब जोर से इसको वाही के लिए तारीफ करेंगे। सुनो, 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 सुनो। कितने लोगों को समझ आई है जे जो गवाही है जे थोड़ा सा ध्यान देकर समझने वाली है। बोलो क्या है? बड़ी ध्यान देकर समझने वाली है। अभी जैसे ही चलो मैं आपको फिर से बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ आओ। समझ आ रही है? अभी हमने सुना कि अभी इनका जो 90,000 का कर्ज है उतर गया और 1.5 लाख लोन पास हो गया। आप सोचोगे कि लोन पास हो गया वो भी तो कर्ज ही लिया है ना एक किस्म का। अब मैं आपको समझाता हूं। बोलो क्या है? सुनो, माइक दो नहीं, इनकी मिसेस को दो। जय सिद्धि पापा जी। जय मसीह की। जब यहां पे आने से पहले आपने वो लोन लिया था पापा जी? होने वाला जड़ा के पहले नहीं, जो पहले वाला था। हाँ जी पापा जी, जब मैं थे ऑन डैपी फिर मैं काम छाड़ देता ही फिर नहीं। मैं आपको बताता हूँ जेड़ा किस्ता ना पापा। हाँ जो 1 लाख आपने लोन लिया था वो यहाँ से चर्च आने से पहले लिया के बाद में लिया? हाँ जी पापा जी, वो पहला लिया। पहला लिया से। सुनो ध्यान से, तो इन्होंने 1 लाख लोन उठा लिया। बोलो क्या उठा लिया? ताकि जो इनके पैसे जो लोगों के भी देने थे इन्होंने ने सोचा क्या हो जाए, हम फारग हो जाए ना, क्योंकि वो तंग करते होंगे हम धीरे धीरे, जिसकी 8,800 किस्त थी ऐसे ही थे ना। हाँ जी पापा। तो क्या हुआ फिर? फिर पापा जी मुड़ के मैं काम तो जो हट गई फिर मेरे को दर्दी नहीं होती। पहला मैं आपको किस्त जो 8,800 किस्त थी वो पे नहीं होती थी। हाँ जी पापा। और जो किस्तों का बाकी पैसा था वो 72,000 बच गया। हाँ जी पापा जी। और उसका और भी ब्याज पड़ रहा था। हाँ जी पापा। आपने फिर से और 90,000 उठा लिया। हाँ जी पापा जी। हाँ हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर आपका काम भी छूट गया और कोई काम भी नहीं थे। फिर आप यहाँ पे चर्च आने लगे। हाँ जी पापा जी। जब आप चर्च आ रहे थे तो तब वो 90,000 कर्ज था। हाँ जी। तो आप जो 90,000 आपने फिर से कर्ज उठाया तो उसकी जो किस्तें देनी होती थी तो आपने ऐसे अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं पूरे महीने में 2 दिन 2 हफ्ते मीटिंग्स अटेंड करूंगी, 2 हफ्ते छोड़ दूंगी। हाँ जी पापा। है ना? हाँ जी। कि मैंने किस्तें पे करनी है तो काम करना है तो ऐसा करती हूँ 2 महीने में 2 संडे अटेंड कर लूंगी, 2 संगतियां कर लूंगी और 2 छोड़ दूंगी। हाँ है ना? पर परमेश्वर ने आपको
दर्शन दिया, मेरे द्वारा बात थी, क्या की बात बताओ। पापा जी मैं ताड़ा दर्शन आया है सुपने दे विच रात, ते तुसीं मैनूं इही आख्या वी सरबजीत हार संडे संगत ते आया कर, ते मैं तुहानूं आख्या सी गाड़ियों सुपने च वी पापा जी मेरियां ले किस्तां तारन वालियां, मैं किस्तां ला के ते फिर आवांगी। सुनो, अपने ऐसे सुपने में परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे बात की और मैंने कहा हर संडे संगति आऊं, और आपने आगे से कहा नहीं मेरी किस्तें रहती अभी नहीं मैं आ सकती, किस्तें उतार के आऊंगी। और अपने उस दर्शन को जो परमेश्वर ने आपसे सपने में बात की अपने इग्नोर कर दिया, और एक महीना आप अपनी बुद्धि से अपने काम में लगे रहे, पर एक महीने बाद कुछ नहीं हुआ तो अपने मन में फिर से आया कि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको पूरा करूं। और जैसे ही फिर आपने उस दर्शन के द्वारा हर संडे चर्च आना शुरू किया, ऐसे ही हुआ। फिर आप कितना चिर लगातार हर संडे आते रहे? पापा जी मैं 6 महीना जान दिया, 6 महीने हो गए आप लगातार हर संडे। हाँ जी पापा, फिर लगातार आ रहे थे। हाँ जी, उसी दरमियान आपको सेवा भी मिल गई। हाँ जी, सेवा भी मिल गई वॉलंटियर की। हाँ जी पापा जी, सेवा तो मिल गई, फिर आप काम ढूंढ रहे थे। हाँ जी, काम मिल रहा था? हाँ जी पापा जी, काम तो मिलते पर संडे की छुट्टी नहीं मिलती। मिल रहे थे, अच्छी सैलरी वाले मिल रहे थे? हाँ जी पापा जी, 12,000-10,000 वाली सैलरी वाले भी मिलते। अच्छा, इतनी तनख्वाह वाले? हाँ जी, अच्छे काम मिल रहे थे। हाँ, पर संडे छुट्टी नहीं मिलती थी। नहीं पापा, और आप हर काम को छोड़ रहे थे। हाँ जी पापा जी, और आपने ऐसे करते करते 6 महीने निकाल दिए। हाँ जी पापा जी, और आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे थे? परमेश्वर। जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपने लिखवाया कि जो फिर हमारा कितना कर्ज था पापा जी? 90,000। वो सरकार की ओर से एक स्कीम निकली और आपका 90,000 का कर्ज माफ हो गया। नहीं पापा जी, नहीं, वो 72,000 का जो कर्ज था बाकी। हाँ जी पापा जी, वो माफ हो गया। हाँ जी पापा जी। ओके, थोड़े दिन तक मैं जिस आया तो फिर पापा जी मैं तुहानू दस्या है भी यही कुछ गलत ना करिए, लालच जे ना ही आ जाइए भी साडा सरकार वालों माफ होण दिया। हाँ, ये भी देखो, मन देखो, ऐसा ना कि सरकार की औरतें हमने जिसके पैसे देने हैं तो कुछ गलत ना हो। देखो कितना भय डर, और जब हमें ऐसा रखती हैं खुदावंद हमें ब्लेस करता है। फिर आपका 72,000 माफ हो गया। हाँ जी पापा जी, फिर तुम दसा तो जो आख्या भी जो सारे वर्ल्ड का हो फिर कोई गल। हाँ, फिर कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, फिर आपका 72,000 तो माफ हो गया। हाँ जी पापा, उसके बाद आप बता रहे थे ये गवाही में कि फिर आपने और कोई पैसे देने थे? नहीं पापा, और देने नहीं, आप जिद्दा मैं 6 महीने वेले रहे हैं मैं भी, तो फिर इन्हों की सैलरी घट ही, तो अं भी चुग चुग के अपना घर का गुजारा करते रहे हैं, इदा भी फिर हाडे सिर ते 90,000 हो गया। 90,000 हो गया था, मतलब क्योंकि 6 महीने आप मतलब काम नहीं, काम तो मिल रहा था पर संडे छुट्टी नहीं मिल रही थी, है ना, ये चीज है ना। काम तो मिल रहा था पर संडे छुट्टी, कितनों को समझ आ रही है। और फिर आपने फिर से एक लोन अप्लाई किया 3 महीने से पहले। हाँ जी, पर वो पास नहीं हो रहा था, उसकी कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था ना उसका। हाँ जी पापा, मतलब समझ नहीं आ रही कि मिलेगा भी नहीं, आप चक्कर लगा रहे थे। हाँ जी पापा जी। हाँ, अब अपना माइक अपने पति को दो। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है आपका? निकू सिंह। हाँ, निकू सिंह। निकू सिंह, ठीक है जी। तो अब यहां पे जब आ रहे थे तो कर्ज था आपके ऊपर, आप सोचते थे रात दिन चिंता करते थे कि मेरे अकेले के कमाने से कैसे घर का गुजारा होगा। आप इन पर भी कई बार कुटते होंगे कि ये हर संडे चली जाती है, सारा बोझ मुझ पर ही डाल दिया है। आता होगा ना मन में कि ये कुछ मेरे साथ साथ नहीं देती पहले तो, है ना। हाँ, और उन दरमियान जब आपने लिखवाया कि आपका चर्च आने को मन नहीं करता था, प्रार्थना करने को मन नहीं करता था, मतलब सारा बोझ कर्जे का ऊपर लगा रहे, कैसे उतरेगा, कैसे हम फ्री होंगे, है ना।
तो ना चर्च आने को मन करता था, ना प्रार्थना करने को मन करता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ जी। और फिर आप एक दिन चर्च आए, ले हैंड हुई, उसके बाद आपकी दारू छूट गई, शराब छूट गई, फिर क्या हुआ? फिर पापा जी मैं अपना मन बनाया कि मैं सेवा करनी है। फिर परमेश्वर ने आपका मन खोल दिया। हाँ जी बाबा। वो जो दुष्ट आत्मा थी जो आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने से, उसकी इच्छा को पूरा करने से रोक रही थी, उस ली हैंड जैसे हुई आपका मन खुला, आप संडे आने लगे। हाँ जी बाबा। और फिर आपने 25 है ना क्रिसमस की जो हमने सेलिब्रेट किया, आप जो काम करते थे आपने उन्हें, जो अपने आपके मालिक थे, जो भी आप काम करते थे उनको भी नहीं बताया, क्योंकि वो जब छुट्टी करते हो तो वो काट लेते हैं। तो आपने उन दिनों में 5 छुट्टियां कर ली कि मैंने प्रभु के घर की सेवा करनी है। बोलो क्या करनी है? और जब आपने 5 छुट्टियां कर ली और हर दिन रोज प्रभु के घर आते, सेवा सफाई जो भी यहाँ पे काम था वो करते रहे, जब आपने ऐसा किया तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पापा जी फिर आडे दा मैसेज आया भी कि नरेंद्र दा 1.5 लाख दा लोन जेड़ा ना पास हो गया जी। तारीफ करो जोर से। उसमें की हुई मेहनत बाइबल कहती व्यर्थ नहीं। बोलो क्या है? सुनो ध्यान से। जैसे ऐसे मन बनाया खुदा के लिए, उसकी सेवा के लिए, और 1 जनवरी को मैसेज आया कि आपका जो लोन है वो पास हो गया, फिर आपको 1.5 लाख मिल गया। 1 तारीख को मिला, जिससे आपने प्रभु के घर के लिए कितना निकाला? प्रभु के घर लिए जो बीज बनता है वो कटे, बाकी कितना निकाला एक ही बार बता दो, कितना निकाला? 50,000 निकाला। 50,000 रुपया आपने परमेश्वर के भवन के लिए बो दिया, जो पिछले दिनों में आप दे नहीं पाए। हाँ जी पापा जी। तो उससे 1.5 लाख से आपने 50,000 या खुदा के भवन के लिए बो दिया। हाँ जी पापा जी। ओके। और अभी बताएं कि जो आपने 1.5 लाख लोन लिया है उसकी किस्त कितनी है? 4500 पापा जी। 4500 रुपया। उसका जो ब्याज है 1.5 लाख का जो पढ़ना है वो कितना है अभी? पापा जी 160 का लोन होया मेरा, तो 160 तो अंदर 162 देना पड़ना। कितने कितने टाइम में? 3 साल। दे देखो 3 सालों में सिर्फ 2,000 ब्याज पड़ा। लोगों की रकम डबल हो जाती है। 160 लिया, 160 और 160 कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? 60 120, 1 2 3 20 हो गया, 3 लाख। इतना डबल रकम ऐसे ब्याज पड़ता है लोगों को, पर ये 3 सालों में सिर्फ 2,000 ही ब्याज देंगे, सिर्फ 2,000। 160 लिया, सिर्फ 1 बार देंगे। तुम सोचो वो कैसा परमेश्वर, वो क्या कर सकता है जब हम उसके लिए दिल मन खोलते हैं और खुदा के लिए जीते हैं। बोलो क्या है? अभी सुनो, जब इन्होंने मुझे बताया, मेरे से भी बात हुई, तो ये कहते थे 3 साल का है। मैंने कहा नहीं, 3 साल नहीं, इसी साल में 2024 में ही परमेश्वर आपको उस लोन से भी फ्री कर देंगे। जो बाकी 2 साल बचे हैं उसमें आपको बड़ी और आशीष देने वाले, बहुत आशीष देने वाले। बोलो क्या है? आपका जो 160 का लोन है ना, जो कर्ज है, वो इसी 24 में क्लियर हो जाएगा। तुम 3 साल का बोझ क्यों उठा रहे हो? इसी साल में परमेश्वर फ्री करेगा। जो 2 साल बाकी बचे उसमें खुदावन और आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। और सुनो, ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये मेन पॉइंट है। ये सारा कुछ कैसे हुआ? जब खुदा को दिल दिया, खुदा से प्रेम किया बिना सोचे, जैसे वचन कहता कल का दिन तुम्हारी चिंता करेगा। पहले इनकी पत्नी ने
अपनी बुद्धि लगाई, परमेश्वर ने दर्शन में बात थी क्या कही कि है ना, परमेश्वर ने, मैं दर्शन में आया और दर्शन में मैंने बोल रहा हूं कि सरबजीत हर संडे संगति में आओ, और ये आगे को बोल रहे नहीं पापा जी मेरी किस्तें जब उतर जाएंगी तो फिर मैं हर संडे आया करूंगी, अभी नहीं मैं आ सकती। और इन्होंने उस दर्शन को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, और एक महीना अपनी बुद्धि से, एक ही महीना ना, एक महीना जे फिर से उसी तरह से अपने काम में बिजी रहे, कह रहे हैं अपने काम में बिजी रहे। पर जब एक महीना बीत गया तो फिर से उस बात का जो दर्शन था, परमेश्वर ने अपनी शुभ इच्छा को डाला कि नहीं, जो मैंने दर्शन दिया उस पर ध्यान दे। फिर उन्होंने बड़ा मन बना लिया, हर संडे आना शुरू कर दिया, करना क्या करना शुरू कर दिया, हर संडे। मुश्किल तो आई, 6 महीने निकल गए, काम तो मिल रहा था, 10-12 हजार सैलरी अच्छी मिल रही थी। एक लेडी के लिए 10-12 हजार की सैलरी, ये अच्छी सैलरी बोलते हैं उसके लिए जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं ना, समझ आ रही है, मेहनती, मेहनत करने वाले के लिए। जो तो आम लेडीज 4-4, 5-5, 6-6 हजार पर जॉब करती है, पर संडे छुट्टी नहीं मिल रही, संडे छुट्टी ये छोड़ ही जा रहे हैं, जो भी काम आ रहा है छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से 6 महीने गुजर गए, जिसके कारण ये 90 हजार इनके ऊपर उठा उठा कर घर में खाना पीना खर्च हो गया, और उसकी वजह के कारण नेगेटिविटी ने, शैतान ने इनके पति के जीवन में प्रभाव बना लिया, मन खराब कर दिया। हो सकता है इससे भी कुड़ना करते हो, क्यों जी? और संगति में ही आते नहीं, इसीलिए कि क्या करें आकर संगति में, हम तो पहले कर्जे से डूबे, कुछ हो तो नहीं रहा। पर एक दिन आए परमेश्वर ने उस नेगेटिविटी की आत्मा से, जो लोगों को खुदा के घर में आने नहीं देती, प्रार्थना करने नहीं देती, खुदा के वचन में मन लगने नहीं देती, जितने लोग खुदा के घर में नहीं आते, प्रेयर नहीं करते, उन्हें एक शैतान की ओर से जो एक आत्मा है वो रोकता है। क्या करता है? वो रोक के रखता है। वो इसलिए रोकता ताकि आपके टाइम को, आपके समय को बर्बाद करे। और जो खुदावंद का प्लान है, जिसने आपको अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, वो कभी भी परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना आपके जीवन में प्रकट ना हो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर बेकार में किसी को नहीं बुलाता। जीसस ने कहा, जब तक मेरा पिता किसी को बुलाता नहीं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। जब तक मेरा पिता किसी को नहीं बुलाता तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। इसलिए वचन कहता अपनी बुलाहट पे ध्यान कर। समझ आ रही ना? कुछ लोग ध्यान नहीं देते, मेरा मन क्यों नहीं करता चर जाने को, मेरा दिल क्यों नहीं करता प्रार्थना करने को। समझ आ रही है? और जब परमेश्वर ने फ्री किया, मन खुला, 5 छुट्टियां कर ली बिना बताए, क्यों मेरी वो हर दिन की वो जो मैं छुट्टी करूंगा मेरी सैलरी काट लेंगे, कुछ नहीं सोचा, फिर वैसे काट ली उन्होंने। अरे पापा जी, अरे महीने का हिसाब नहीं किया, जो हिसाब करेंगे फिर पता लगेगा। आपको क्या विश्वास है? मैंने विश्वास है फिर मैंने छुट्टियां मिलेंगी। वाह, कुछ भी नहीं होगा और परमेश्वर चौगना बढ़ाएगा। मैंने कहा चौगना बढ़ाएगा, चौगना। अब कितनों को समझ आ रही है कि परमेश्वर सच्चा है कि झूठा है? जो उसकी इच्छा को पूरा करता है, बोलो क्या करता है? कि वो पक्षपात करता है, एक के साथ करे और ना करे। पर मैं आपको कहता हूं, एक रोकने वाली आत्मा हमें रोकती है। बोलो क्या रोकती है? वो रोकती है। पर जब तुम उसके लिए करते हो तो फिर खुदावंद स्वर्ग खोलता है। जोर से तारीफ करो, दोनों हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, जोर से। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पे है।